गुड मॉर्निंग गाइस, और आप सभी कैसे हैं? और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी वही मॉर्निंग हो रही है, 11 o'clock। तो अभी के लिए आज रात को मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। पता नहीं क्या हुआ कि काफ़ी लेफ़्ट साइड में पेन होता रहा। पता नहीं गैस का पेन है या क्या है, बहुत देर तक मेरे को पेन होता रहा। मैं सुबह 4 बजे सोई हूँ, वो भी मुझे पता नहीं कब मेरी आँख लगी है। तो थोड़ा सा ऐसे ही आज मतलब ठीक फील नहीं हो रहा। अब थोड़ा बेटर है, वैसे आगे से तो बेटर है अब काफ़ी। तो इसलिए आप गाइज, अभी आपको थोड़ा लेट ही गुड मॉर्निंग है। तो एक्चुअली आज मैंने तो पूजा पाठ भी नहीं किया, तो मेरे हस्बैंड ने किया है। तो गाइज, मैं आपको फिर भी दिखाती हूँ कि ये देखिए, जो वगैरह जल गई है हमारी मंदिर में। और ये मेरे हस्बैंड है। हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। मुझे भी जल्दी है जाने की ऑफिस, और आप उनसे बात कीजिए, मैडम से। मैडम हमारी बड़ी डेडिकेटेड है ब्लॉक के लिए। हाँ जी गाइस, एक्चुअली ब्रेकफास्ट मेरा हो गया है। सो अब मैं अब बस थोड़ा रूम वगैरह क्लीन कर रही हूँ। तो क्या कहते हैं, रूम क्लीन करने के बाद फिर बस बच्चों से पूछूंगी कि लंच में क्या बनाऊं। और कुछ समझ नहीं आता यार, एक्चुअली सर्दियों में तो बस मटर मटर ये वो खा खा के मेरे को शायद लग रहा है कि मेरी इस वजह से ही रात को गैस वैस की वजह से ही तबीयत ख़राब हुई है। सो गाइज, अब आप भी मुझे सजेस्ट कीजिए कि क्या मतलब गैस वैस को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, और क्या कहते हैं कौन सी वेजिटेबल हल्की है उसको खाऊं मैं, क्योंकि अब मटर वटर खा के तो मुझे गैस बनती है और काफ़ी मेरी रात को तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो बट लेकिन थोड़ा अभी थोड़ा सा बेटर है, बट ऐसे ही है, अभी भी थोड़ा हल्की हल्की पेन तो है ही। तो मतलब मटर मतलब मुझे तो बिल्कुल अब दिल नहीं कर रहा कुछ भी खाने का। ऐसे लाइट सा ही मैंने ब्रेकफास्ट किया है, बस ब्रेड चाय और रस लिया है। तो मैं अभी जी बेटे का रूम गाइस, क्लीन। और आप सभी क्या कर रहे हैं राइट नाउ? मैं तो अभी अपना लंच प्रिपेयर करने वाली हूँ, और लंच में मैं राजमा बनाने वाली हूँ गाइस। तो राजमा का सीन क्या था, बेटी ने बोला कि मम्मी, मेरे से सुबह उठी, कहती है मम्मी आपने राजमा नहीं बनाया। मैंने कहा यार मैंने तो भिगोए नहीं। तो फिर मेरे को लगा कि यार कैसे बनेंगे, बट लेकिन मुझे अपनी मम्मा की बात याद आई कि मम्मा कहती हैं कि आप राजमा बना सकते हो, मतलब जैसे 1-2 घंटे आप भिगो के रख दो, और फिर उसके बाद आप उसको जब विसल दिलवाओगे, बीच में 3-4 विसल्स के बाद आप उसके अंदर ठंडा पानी ऐड कर दो। पानी आप ऐड करने के बाद आपको मतलब राजमा जल्दी से गल जाएंगे। तो मैंने भी ऐसे ही किया, अभी बस 12:30 पौने 1 मैंने भिगो दिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, पहले मैं उसका मसाला रेडी कर लूँगी, उसके बाद मैं हम फिर राजमा को विसल दिलवा दूंगी और फिर उसमें मसाला डाल दूंगी। तो हम लोग एक्चुअली जो हमारा लंच होता है वो 3:30 के करीब ही होता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 3:30 पौने 4 तक बन जाएंगे राजमा। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और मुझे भी लगेगा यार बच्चों ने बोला था और मैं बना नहीं पाई, तो मैंने कहा चलो ऐसे भी बना के देखती हूँ। गाइज आप भी मेरे साथ बने रहिए और देखिए कि कैसे मेरे राजमा बनते हैं, अच्छे से गल जाते हैं या नहीं। तो अगर कभी आपको भी ऐसे लगे कि इमिजिएट बनाने हैं, तो आप भी ऐसे ये ट्रिक अपना सकते हैं। और ये आप मेरे साथ बस यही है कि आप मेरे साथ व्लॉग में बने रहिए, और व्लॉग के एंड में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइज, बिकॉज आप जब तक मुझे शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे व्लॉग्स आगे नहीं बढ़ेंगे। और प्लीज़ प्लीज़ इसके लिए आपको एंड में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा गाइज। सो आप सभी हाउस वाइफ्स हैं, मेरा व्लॉग देख रही होंगी, तो जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं वो मुझे बताइए अपने डेली रूटीन के बारे में, और मेरा रूटीन भी अगर आप फॉलो करें, और अगर मुझे आपका अच्छा लगता तो मैं आपको फॉलो करूंगी। सो गाइज हम सब फैमिली की तरह ही आगे चलेंगे। तो आप गाइज मेरे साथ ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिए। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ राजमा विद रेसिपी, मतलब राजमा की सॉरी राजमा बनाने कैसे बनते हैं, और इमीडिएट राजमा। तो फिर मैं वो आपको बताती हूँ कि राजमा कैसे बनेंगे, और मैंने जल्दी जल्दी में बनाए हैं तो कैसा टेस्ट आया है, क्या है, सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ओके गाइज, अभी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, बाय बाय। हाँ जी गाइस, देखिए मैंने ये ना प्याज टमाटर का मसाला रेडी कर रही हूँ। इसमें मैंने 2 बड़े बड़े प्याज लिए हैं,
टमाटर हैं, 10-10 8 मतलब 9-10 टमाटर हैं बड़े बड़े, और इसमें मैंने लहसुन अदरक और थोड़ा सा 2-4 टुकड़े काजू के ऐड करे हैं, जिससे मतलब ये इसकी ग्रेवी जो है वो थिक बनेगी। और बस इसमें नमक मिर्च मसाला सब डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको डालिए। तो बस ये डाल के इसको अच्छे से भून लेना है, एक दो तीन बार बीच में हिलाना है, ये ना हो कि हमारे लग जाए, लगने नहीं चाहिए इनको, बस थोड़े से अच्छे से लाल कर दीजिए, अच्छे से भून के इनको थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाए। और फिर ये सब करके इसके बाद फिर आपने मतलब इसमें मैंने अभी तो नमक मिर्च डाला, अगर मुझे दोबारा ज़रूरत पड़ेगी इसमें ऑयल अच्छे से डालना है आपको, तो फिर दोबारा थोड़ा सा ऑयल डाल के नमक मिर्च मसाला सब डाल देना है। इधर मेरा ये तैयार हो रहा है, इधर मेरे ये राइस हो रहे हैं, राइस तो अभी मैंने भिगो के रखे हैं, बस अभी राइस बन जाएंगे, बस राजमा, तो बस कुछ ही देर में मेरे राजमा राइस फाइनली रेडी हो जाएंगे। जैसे ही रेडी होते हैं मैं आपको गाइस जरूर बताती हूँ। राजमा मैं कह रहा हूँ ऐसे राजमा बनाए हैं, मेरे को वैसे तेरे आज के तू खाने बहुत अच्छे बनाती है यार, सच्ची तारीफ करो। अरे मैं तो समझ नहीं आ रहा, रात को भिगोए भी नहीं और फिर भी अच्छे राजमा बन गए हैं, खाना बहुत अच्छा बनाती है वो, तो देखो गाइस अच्छे बने हैं बट राजमा ये मेरा थर्ड टाइम है, राजमा में थोड़ा सा ये है कि हाँ ये है कि रात को भिगो तो बेटर है, वैसे राजमा का टेस्ट बहुत अच्छा है, तो आप बच्चों से भी रिव्यू ले सकते हो। आज बने आप, ये मेरी डॉटर है कैमरा के पीछे, आप इससे भी रिव्यू लो, तो ये क्या कहती है गाइस। मैं आपको थोड़ी देर में रिव्यू देती हूँ, तब तक आप रोहन का रिव्यू लो। राजमा तो अच्छे बने हैं, ऑलवेज मम्मी हमेशा राजमा अच्छे बनाती है। क्या कहते हैं आप बताओ, तो आपने कितनी बार खाए हैं? मैंने अभी तो एक बार ही खाया, मैं एक बार और खाऊंगा, दो बार ही तो खाऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही, तो ऐसा ही मैं आपको डेली अपने ब्लॉग्स दिखाती रहूंगी, और आप मेरे ब्लॉग्स को लाइक जरूर कीजिए गाइस, और कोई भी बैड कमेंट्स मत दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए, और इससे मैं काफ़ी एनकरेज होंगी और अच्छे ब्लॉग्स बनाने की कोशिश करूंगी। तो अभी के लिए गाइस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।